अब मैं आपकी दिलों की धड़कन को महसूस करते हुए एक नाम पुकार रहा हूं और ये कह रहा हूं कि जिंदगी में बड़े उल्टे पुल्टे तजुर्बात बड़े भाई इन दिनों हैं, और वो तजुर्बात इस तरह के हैं कि आप जरा सोच के देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है, और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं तो फिर यह आपकी जिंदगी की आखिरी यादगार रात है। क्या अजीब तमाशा है दोस्तों, क्या अजीब तमाशा है कि अगर आज के दौर में मोबाइल बिगड़ जाए तो लोग बच्चों को इल्जाम लगाते हैं कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और अब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल को लग रहा है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। अगर मुझे कहने दें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में कितना ही खूबसूरत हो आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है, और कोई इंसान कितना ही बदसूरत हो लेकिन इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से मिलती मिलाती आगे चलती है। आइए कुछ ऐसा ही उल्टा पुल्टा तजुर्बा करते हैं। एक ऐसे फनकार को बुलाता हूं जो अपनी बातों के उलटफेर में खुद फंस जाता है, और उससे आप जब मिलेंगे तो आप खुद ये समझ जाएंगे कि कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने कहा कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। ये अब उल्टे पुल्टे से काम करते हुए बुलाना चाहता हूं बिहारी लाल अंबर को कि वो आए और अपने खूबसूरत कविताओं और रचनाओं के माध्यम से इस सफर को हंसी और ठहाकों में बदल दें। बिहारी लाल अंबर माइक पर आ गए हैं। बिहारी लाल अंबर माइक पर आ गए हैं और मैं प्रतापगढ़ के लोगों को एक सूचना ये देना चाहता हूं, वैज्ञानिक अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि बिहारी लाल अंबर की बारात आएगी या जाएगी, अभी तक ये तय होना बाकी है। बिहारी लाल अंबर माइक पर है, सारे लोग मिलकर एक बार जोरदार तालियों में इनका स्वागत करें। संचेतना के 53वें वर्ष को सादर नमन करते हुए पंडित दया शंकर शुक्ल हेम जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए निजामत कर रहे भाई नदीम फर्रुख को ढेर सारी दुआएं। सलाम वालेकुम, सादर नमन, महकता रहे मेरा ये चमन, जहां से वीरान हो जाते हैं वहीं से हम सजाने आ जाते हैं, जहां से वीरान हो जाते हैं वहीं से हम सजाने आ जाते हैं, आप भी हमारी बिरादरी के हैं जो यहां बजाने आ जाते हैं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बड़े बड़े दानिशरों को फंसाते रहिए, बस इतना है आपसे इल्तजा दोस्तों, जब भी हेम जी याद करें इसी मोहब्बत से आते रहिए। और हेम दादा जी को बस यही कहते हैं, आप हमेशा ऐश्वर्या राय की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसो तो बच्चों जैसी हंसो, हंसो तो सच्चों जैसी हंसो, या हंसते हंसते तर जाओ और जब जिंदा बचो तो घर जाओ। क्योंकि मेरी चाहत का तुम पे, हमको लगता है देखा है आप लोग ट्रक से भले लड़ जाए लेकिन प्रधानी कबहू न लड़ा। यहां कोई ट्रेन से आया है, कोई प्लेन से आया है, कोई कार से आया है, बस यही एक ऐसा कवि है जो बेल्हा में आप लोगों के प्यार से आया है। मैं देश का ऐसा कवि हूं, कुंवर जावेद भाई अजम साकरी साहब, हमारे अनुपम जी, हमारे अजनबी भाई गजेंद्र विकट भाई, हमारे अनिल प्रताप त्रिपाठी भाई, ये हमें जानते हैं कि अंबर भाई देश का ऐसा कवि है जो नमक के बोरे पे चीनी का लेबल लगाकर चीटियों को भी बेवकूफ बना देता है। तो आप लोग तो यार बेल्हा के पढ़े पढ़े लिखे लोग हो, आपको बेवकूफ बनाना हमारे बस की बात नहीं, अलग बात है हम बेवकूफ बन जाएं। भाई बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। इसलिए आप लोग हमें प्यार से सुनते रहिए। हमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा, हमने केवल कहा,
अब आपने हमको सहा, हमने केवल कहा आपने सहा, अब हमारा तो कभी कुछ नहीं लहा, लेकिन कविता का धार यूं बहा कि हम उसके बहाव में बह गए। बस खाली हम लोग आज तक यहीं पड़े हैं, बाकी लोग कहाँ कहाँ खड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तो मोहब्बत से आते जाते हैं। कि मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। अभी नहीं संभाले रही तालियां। मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जाली, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। बहुत अच्छा यार, वाह वाह वाह, इतना बढ़िया सुन लिया। आप इसी तरह माला पहनाते रहिए और अपनी उम्र को हमारी उम्र में जोड़ते रहिए। हमने दादा हेम जी के पैर छुए, हमने कहा दादा प्रणाम। हेम दादा ने कहा अरे बेटा अंबर, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हमने कहा तो दादा आपकी कितनी है? वो बताए हमारी 76 साल है। हमने कहा हमारी 46 साल है, अगर आपका अपने में जोड़ देंगे आपसे पहले तो हम ही दुनिया छोड़ देंगे। इसलिए इन बुजुर्गों से थोड़ा सावधान रहिए, इन बुजुर्गों से सावधान रहिए। अब गौरी जी बैठी हैं, सभा जी बैठी हैं, मीरा जी बैठी हैं। तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चार पाई नहीं है। ये इसीलिए कहते हैं इन बुजुर्गों से सावधान रहिए। हेम जी के बाल सफेद हो गए, लेकिन जिनके बाल सफेद हैं वो घबराए नहीं, इश्क पूरा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। अब जब ये लोग छड़ी लेकर कंपनी बाग प्रतापगढ़ घूमते हैं, लड़कियां कहती हैं दादा इस उम्र में झुक झुक के खोज क्या रहे हैं। एक बूढ़ा कहता है चेहरे की यार मेरे रवानी किधर गई, वो रातें वो दिन सुहाने रातें सुहानी किधर गई, ऐसे नहीं ये मेरी कमर है झुकी हुई, ये झुक झुक के खोजती है जवानी किधर गई। वाह 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 वाह। और इन बालों की तरफ देखिए और हमारे सवालों की तरफ देखिए। अरे ये गजेंद्र बिकट जी हैं, ये बिना टिकट यात्रा करते हैं क्योंकि ये टीटी के निकट हमेशा बैठ जाते हैं। गजेंद्र बिकट जी हैं, ये ऐसे व्यक्ति है जो है ये प्यार में प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं। गजेंद्र जी प्यार बहुत जल्दी जल्दी करते हैं मगर उसमें भूल जाते हैं कुछ न कुछ। अब आप जैसे छोटे भाइयों के लिए छोड़ देते हैं। युद्ध पर निकलते हैं, युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, ये अजब शिकारी है कि जाल भूल जाते हैं। अब प्यार में इन्हें यारों भूलने की आदत है, होठ चूम लेते हैं गाल भूल जाते हैं और गाल अपने छोटे भाइयों के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए जो है भौजी बनी प्रधान तो कलम से करी है साइन, अब कुल बुढ़ोए निहुर निहुर के उनका मरी है लाइन। अब की देखा कुल बहुत औरतें प्रधान बनी है, कुल मन से दू प्रधान बनी है। इसीलिए आप लोग बढ़िया बेल्हा के लोग हो, अवे अपने हेम दादा की तरफ से चार पंक्तियां ऐसे दे देंगे तो आप लोग हंगामा खड़ा कर देंगे, और नहीं तो हमारा कुर्ता फाड़ के पैजामा खड़ा कर देंगे। तब अंबर भाई क्या कहते हैं जो है, बड़ा प्यार से सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं जी भाई। कहते जो है पैदा हुआ इस बार बहुत धान मेरी लैला, अब पैदा हुआ इस बार बहुत धान मेरी लैला, बाबू तुम्हारे लड़ गए प्रधान मेरी लैला, आना नहीं इधर तुम कभी ये मान मेरी लैला, क्योंकि अरे लड़के हैं बेल्हा के शैतान मेरी लैला, लड़के हैं बेल्हा के शैतान मेरी लैला। और बढ़िया, बहुत बढ़िया सुना, इतना बढ़िया सुना।
ये फिर से ना बने, हम तुरंत बने थे ना, वो बने ना। अरे उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, देखा गुले भाई संभालना, गुले जी, गुले सभा जी संभाल लेना बेटा, हमने भी बनाया। अक्सर लोग शादी करते हैं तो साइकिल मोटरसाइकिल पहले ले आते हैं, मंगा लेते हैं, चला भले न पाए, नई नई हीरो होंडा, शादी के पहले हीरो होंडा मंगवाई लियो, हम मम्मी पापा बैठाए खंभा में लड़ाई दे। इसलिए और बहुत बढ़िया आपने प्यार से सुन लिया। कोरोना के हमारे पास जितने यहाँ कोरोना पॉजिटिव बैठे, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, क्योंकि प्रतापगढ़ के लोग कभी निगेटिव नहीं रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर ये पॉजिटिव ना होते आप तो 53 साल तक न चला पाते। ये आपकी पॉजिटिविटी का नतीजा है कि निगेटिविटी नहीं आ पाई। नदीम फर्रुख साहब, सच्ची बात है, सच्ची। ये राकेश कनौजिया साहब है, अधिकारी है अपने प्रतापगढ़ डाइट में, इसलिए इनका शरीर देख के लगता है कितना अच्छा डाइट है इनका। अब इनको तो इनको देख के लगता है कि देश में भुखमरी क्यों है, अब हमको देख के लगता है देश में भुखमरी एकदम तय है। इसीलिए हमको जब कोई लड़की वाला, हमारी बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई, हम खुद लड़की की तरह बन गए। एक लड़की वाला देखने आया, बोला कि आप तो खुद लड़की की तरह है, आपको लड़के की क्या जरूरत, लड़की क्या जरूरत है। हमने कहा ये मेरा बाल रूप है, हमको बाल विकास मंत्री की गाड़ी देखकर रुक गई, बोला बाप रे बाप इतना विकास। हम कहे ये बाल विकास नहीं है, ये आपकी भाभी ने कहा ये इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों जमाए हो। हम कहे कब सम्मेलन मुशायरे में जाते, मान लीजिए कम जमा तो कम से कम इतना तो जमा रहे भैया। अब नदीम फर्रुख भाई के साथ इन्हीं बालों को लेकर बंबई सीएसटी स्टेशन पे उतर गए। हमको देखकर एक लड़की कहती है अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या। हमने कहा बिटिया हम आसाराम बापू नहीं है। तो बोले बाल कटा लो। तो एक सैलून में घुसा, मैंने कहा बाल काट दो। उसने कहा हमारे यहाँ 200 रुपया 250 रुपया लगेगा। हमने कहा हमारे पूर्वांचल प्रतापगढ़ प्रयागराज बेल्हा और फैजाबाद सुल्तानपुर में 35 रुपये 50 रुपये में काट देते हैं। एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो पूरा गर्दने उड़ा दे। हम लोग उच्चतम भले भिन्न भिन्न हो लेकिन नीचतम हम सब बराबर हैं। वाह तो हमसे थोड़ा जीतोगे। वही वाह 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 वाह। जब भाई बहुत अच्छा है भाई। वाह वाह भाई। अनूप अनुपम जी ये पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव है। हम इनको बहुत प्यार करते हैं। हालांकि एक दिन इनकी मिसेज करवा चौथ पे बहुत सद्धज के कहें कि जा था बेल्हा माई के मेला देख है अनूप जी के अनुपम जी के, तो मेला सब जब सज लेन तो ये कहन हमहू जा, तो कहन कि आपकी जरूरत क्या है, इतनी सजी हूँ बहुत लोग मिलेंगे। तब ये कैसे चार पंक्तियों में मैंने इनको कैसे ढाला और इन्होंने कैसे संभाला, अब आपने उसमें कैसे तालियों का को निकाला आपको समझना है। कह दें इन्होंने कहा ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिल तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। वाह इतना सज संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। अब ए ए ए हमारे बैठे हैं, फिर से ना बन पाए, तुरंत बनाते हैं ना वो, फिर से ना बन पाए। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तुरंत बना रहे हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तो गौरी मिश्रा क्या कहती है, जो भी आशिक मिले उनको कूचो सलम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सलम।
भाई डॉक्टर शमीम भाई ने हमें माला पहनाया, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी लंबी उम्र दे, मगर इतनी लंबी उम्र न दे कि आपको हमको इसी माले में सजा हुआ मजार देखना पड़े। माला दो ही लोगों को पहनाया जाता है, या तो कोई इलेक्शन जीत जाता है या तो कोई जिंदगी की जंग हार जाता है। अब मैं दोनों में नहीं हूँ, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। नहीं नहीं, ये डॉक्टर साहब देखिए पढ़े लिखे आदमी है बिहारी लाल भाई, और इन्होंने ये सोच के इतनी मालाएं आपके गले में डाली हैं कि अगर अचानक हवा तेज चलनी शुरू हो जाए तो कोई खतरा नहीं रहेगा, आप ठीक ठाक बने रहेंगे, तो इसलिए इन्होंने थोड़ी सी मालाएं आपके ज्यादा डाली। अच्छा है, जब बहुत माला मिलने लगता है तो थोड़ा डर लगता है कि लगता है माला ही मिलेगा, माल ना मिले। तालियां हो जाए यार, हेम जी का ये कार्यक्रम कुशल क्षेम के साथ संपन्न हो। हेम जी का ये कार्यक्रम कुशल क्षेम के साथ संपन्न नहीं होगा, बेकार 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 है। आप देखिए कनौजिया जी, आप इसी तरह पहनाते रहिए, क्योंकि आप यहाँ हम लोग पेमेंट से बिल्कुल नहीं आते, यहाँ हम लोग प्यार से आते हैं। हम दिल्ली वाले नहीं हैं कि हमको आप 14 लाख दे दो तब आएंगे, भाई हमको कुछ भी दे दो चले आएंगे। इसी प्रतापगढ़ ने मुझको पाला है, पोसा है, अब पूरे देश में जहाँ जहाँ चाहा वहाँ वहाँ खोसा है। इसी प्रतापगढ़ ने पाला है, पोसा है, जहाँ जहाँ चाहा वहाँ वहाँ खोसा है। अब दुनिया ये समझती है मैं अपने माँ का बेटा हूँ, मगर ये बेल्हा की धरती का परोसा है। आओ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, हमको तो हेम जी पे भी उतने भरोसा है। लेकिन कहते हैं किसी का नाम हो जाए कोई बदनाम हो जाए, कोई है कामयाबी पर कोई नाकाम हो जाए। सुनो वे लड़कियों, तुम दूर रहना इन बुजुर्गों से, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। न जाने किस घड़ी, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। अभी अपने अनिल भैया को पकड़ कर चूस ले एक दिन, तो वो भी ये दशहरी आज पक्का आम हो जाए। वाह 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 वाह, इतने बढ़िया। जितने कोरोना पॉजिटिव बैठे हैं, अब मनरेगा मजदूर की तरह मंच पर बैठे हुए लोगों को भी सलाम करते हैं, नमन करते हैं। ये डॉक्टर समीम भाई हैं, ये जिस अस्पताल में डॉक्टर हैं उनकी बेगम उसी अस्पताल की नर्स है। कैसे कैसे दुख सहना पड़ता है, अपनी ही बेगम को सिस्टर कहना पड़ता है। ऐसे बहुत लोग हैं ऐसे इसमें। अच्छा अच्छा, कह रहे डॉक्टर साहब अभी कुंवारे हैं। अरे हम उसकी बात नहीं कहा, ये जब तक कुंवारे हैं तब तक हम संभारे, वो तो हमारे हैं भाई, ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, हम डॉक्टर साहब के घर के हैं, थोड़ा इधर के हैं हम। और डॉक्टर साहब ट्रेन में सफर कर रहे थे, टीटी आया बोला टिकट, हमने कहा समस्या विकट, जब आप आ गए दिल के निकट तो कौन ले टिकट, तो बोला टिकट, अरे हम कहे हमसे भी लेगा यार क्या, तो जब लहराया बोला अच्छा आप ये वाले हो क्या, हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या। हम डॉक्टर साहब देखे तो सीट नहीं थी, ऊपर बैठ गए, जब ऊपर बैठ गए नीचे दो औरतें बैठी थी, एक की उम्र 40 वर्ष, एक की उम्र 30 वर्ष। 30 वर्ष ने 40 वर्ष से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है, वो बोली कि 27-28 साल। 40 वर्ष ने 30 वर्ष से पूछा आपकी उम्र क्या है, उसने कहा 17-18 साल। नीचे हम गौर से झांक रहे थे, गलती हो गई गिर गए, तो उन दोनों ने कहा ये कौन है, हम कहे हम अभी अभी पैदा हो रहे हैं, आप हमको खिलाइए। तालियां बजा दीजिए भाई, आए तब ले जमेगा कार्यक्रम। भाई बहुत अच्छा, ऐसे बड़े बड़े कवियों को सुनने के लिए कई रातें खराब करनी पड़ती हैं, मगर आपका बड़ा प्यार बड़ा मोहब्बत मिला। पहले सर्दी हुई, देखिए कोरोना के लक्षण आ गए हैं, गाइडलाइन जारी है, हमारी बारी है। हाँ, पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। वाह, मुझको वनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडूबाम हो गया। ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया,
लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया, ये करोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। अब तुमने मुझसे सनम बेवफाई किया, इस बहाने मेरा थोड़ा मोड़ा नाम हो गया, ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक हाट सबका तामझाम हो गया, अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया, ये करोना मेरे मोबाइल का युग आ गया कि लोग मोबाइल के टच में इतना रहते हैं कि वो रिश्तों के टच में रहना भूल गए। इसलिए अंबर भाई ने कहा, ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे, जब बहुत मंच ऊंचाई पे चला जाए थोड़ा उसको नीचाई पे लाता ताकि हम टूटने से बच जाए, बहुत ऊंचा चले जाएंगे देख भाई गिरेंगे तो टूटने का डर रहता है, इसलिए अपने को बैलेंस बनाते हैं। अब आपने बहुत बढ़िया बैलेंस बना लिया है। जब कोरोना पहली बार मोदी जी के पास आया तो कहता है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, अमित शाह चीन लिए आप न जाने। तब वो निरहू के पास आया, निरहू ने क्या गाया, सोए करुणवा भारत में खटिया बिछाई के, मोदी जी हथवा मिला वैले सैनिटाइजर लगाई के, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे, 20,000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे, हे अम्मा बाबू सर्दी है जुखाम है, सर्दी है जुखाम है खांसी है, डॉक्टर ने कहा पहले ये बताओ तू बाभन है चमार है कि पासी है, बोला ये जो मरीज बैठा है न बाभन है चमार है न पासी है, यहाँ का हर मरीज सिर्फ भारतवासी है। तब डॉक्टर साहब हेम जी ने जो उद्देश्य बनाया, आजम साकरी ने जो उद्देश्य बनाया, नदीम जी ने जो उद्देश्य बनाया, जो हमारे अनिल प्रताप त्रिपाठी संजय शुक्ला अनूप त्रिपाठी सगरा सुंदरपुर वाले ने जो हमारे लिए संदेश बनाया, अंबर भाई ने चार पंक्तियों में कहा जी भाई कि मोहब्बतों का सभी इम्तहान दे देंगे। वाह, इसको दूसरे ढंग से कही। हाँ और क्या, अच्छा में मोहब्बतों का सभी इम्तहान दे देंगे, बना रहा है। हाँ ठीक है, मोहब्बतों का सभी इम्तहान दे देंगे, जो हैं गरीब उन्हें हम मकान दे देंगे, वाह वाह वाह, कैसे हिंदू से लड़ाएगा मुसलमान, कोई हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। माले का बोझ बढ़ता जा रहा है और सांस का पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। अच्छा ये बिहारी भाई जरा सा, अंबर भाई जरा आधे मिनट के लिए आप रुकिए, बिहारी लाल अंबर अपनी कुछ कविताओं के साथ जरा सा तरोताजा हो गए हैं, ये बात ये सही कह रहे हैं कि ये कुछ पंक्तियां फौरन माइक पर तैयार करते हैं, जब भी इनके मुंह से आपको भाप निकलती हुई नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि बिल्कुल ताजा पंक्ति इन्होंने बना के सुनाई है, तो ये ऐसा प्रयोग कभी कभी करते रहते हैं। एक बार तालियां बजा के इन्हें इजाजत दें, इन्हें अच्छे से बताएं कि आप इन्हें खूब दिल लगा के सुन रहे हैं। थोड़ी देर और रहेंगे क्योंकि बहुत लोगों को सुनना है, जब दूसरा राउंड आएगा तो हम अपना साउंड यही रख के चले जाएंगे, बजता रहेगा, लेकिन कहते हैं कि हमारा काम हो गया है, लेकिन बहुत प्यार से आपने सुना है, कार्यक्रम को बहुत जमाया है, शुरुआती दौर में इस कार्यक्रम ने बहुत दंश झेल करके इतनी भीड़ बटोर पाई है, प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं, कोरोना का गाइडलाइन है, पीछे मैच भी चल रहा है, और ऊपर से इतने मेहमानों का जो खैर मकदम स्वागत करना ये बहुत बड़ी यहाँ की परंपरा है, इसलिए मैं इस मंच पर आने के लिए पिछले 30 वर्षों से तरस रहा था,
जो इस मंच पर आ गया वो समझ लीजिए हिंदुस्तान के किसी मंच पर खड़ा होने की ताकत रख सकता है। ये बहुत बड़ा मंच है और हेम दादा के सामने जो देश के बड़े कवि अपने को लगाते हैं वो इनके सामने बच्चों की तरह पढ़कर गए हैं। सही तालियां इस बात पे हो जाएं, वो बच्चों की तरह पढ़कर गए हैं। आज हेम दादा से आंखें नहीं मिला सकते क्योंकि वो दूसरों से कितने लाख मांगते हैं, हम लोग थोड़े में ही आते जाते रहते हैं, कोई पैसे की जरूरत नहीं रहती। आज भी महसूस नहीं करता हूँ पैसे की जरूरत, तो हमें मिलेगा मिलेगा, यही आपकी भाभी भी कहती है, घबराना मत मिलेगा। हम कहे तू भी मत घबराना, तुम्हें भी मेरे जैसा कोई मिलेगा। हमने कहा बड़ी समस्याएं आती है, वो तो आपकी कहने लगी भैया, कहने लगी कि जो है एक बार खांस दिया है, दो बार छींक दिया तो बिगड़ गई, वो समझ ली कि पॉजिटिव आ गया। तो उसने कहा कि आपको छोड़कर किस गली जाऊंगी, वक्त के हाथों जबकि छली जाऊंगी, आपने अब की खांसा जो छींका है अगर कल सवेरे मैं मायके चली जाऊंगी। तो मैंने उसको कैसे बुलाया, कभी तो आओ तुम हमारे दिल के सुने टाउन में, मैं उलझा हूँ तेरी जुल्फों के रंग ब्लैक और ब्राउन में, तुम हमसे जब मिलोगी तो कोरोना भाग जाएगा, तुम्हारी याद आती है सनम इस लॉकडाउन में, और तुरंत भाग आए हमारे टाउन में। तो हमने कहा कि आया चुनाव गांव में धरती मचल गई, आया चुनाव गांव में धरती मचल गई, क्लियर नहीं थी सीट और लाठी भी चल गई, क्लियर नहीं थी सीट और लाठी भी चल गई, लड़ने लगे आपस में बाभन और ठाकुर, बाद में पता चला सीट तो हरिजन निकल गई। अब बड़ी परेशानियां आ गई हैं, अब प्रधानी के चुनाव लड़ने के कई कई तरीके हैं। अरे जिनका राज ने मनमानी रजऊ बिना दारू के न जितब्या, प्रधानी रजऊ बिना दारू, जे जे जमन मांगे वो का हा हा जितना, फिर से कहा है, अरे फिर से न बने, हम तुरंत बनाते हैं, फिर से ये कभी नहीं बनेगा फिर से, आप लोग बस ऐसे सुनते रहिए प्यार से, कोई दिक्कत नहीं, आनंद लीजिए, चार छह पंक्तियां और आपको सुना करके चले जाएंगे, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का मंच है, प्यार होता है जहां जंग नहीं होता है, बना रहा हूं, प्यार होता है जहां जंग नहीं होता है, हादसा भी किसी के संग नहीं होता है, आइए प्यार के रंग में रंग लें सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता। वाह वाह वाह, कुंवर जावेद भाई मेरे बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, और मैं गौरी मिश्रा जी और बहुत दूर से चलकर आए हैं नैनीताल से, आया हंसी ख्याल तुम्हें देखने के बाद, अब क्या करूं सवाल तुम्हें देखने के बाद, आया हंसी ख्याल तुम्हें देखने के बाद, अब क्या करूं सवाल तुम्हें देखने के बाद, आंखें तुम्हारी झील सी गहरी है मेरी जान, क्यों जाऊं नैनीताल तुम्हें देखने के बाद, क्यों जाऊं नैनीताल तुम्हें देखने के बाद, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, फिर निगाहों में एक सवाल आया, देखते देखते कई साल आया, तब तुम्हारी तरह ये बाल आया, तब तुम्हारी तरह ये बाल आया। तांबर भाई ने क्या कहा, हम जिंदगी के हाथों मिस यूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए, मुझको खुदा ने ऐसे संवारा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो गए। वाह वाह, ये नदीम भाई बैठे हैं, जो दिल को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के साढ़ू तो नहीं है, ये आसाराम बापू के साढ़ू तो नहीं है। अब कुछ लोग बूढ़े हैं, वो हमको देख करके सोच रहे हैं चार कवियत्रियां बैठी हैं, नजरें पूरी गड़ाए हुए हैं हम चारों पर, उनके लिए कह रहे हैं कितना हसीन चेहरा, थोड़ा माइक की आवाज बढ़िया कर दो यार, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार, तेरी नजर झुके तो शाम ढले,
तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, अब सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, भी थक गए होंगे प्रचार ले लीजिए, बहुत देर से चित्रहार आ रहा था, थोड़ा प्रचार ले लीजिए, सर्दी है, जुखाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं, हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो खरीद के देते क्यों नहीं, पैसा कहाँ है प्रचार कर रहे हो, तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकोंडी जैसा, हम कहे आम आदमी कहाँ पाई इतना पैसा, चीनी में नींबू घोर के पी जाएंगे मगर तुम्हारा ग्लूकोंडी नहीं ले पाएंगे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय, कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन ने लाइफ बॉय के पीछे दो बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निर्मा सुपर सोपी मामी ने शुरू क्लीन ब्यूटी पार्लर फायरल लवली महाभारत वॉशिंग पाउडर निर्मा कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ इसकी झाग ने जादू कर दिया। तालियां हो जाए, प्रचार हो गया, अब लोग आराम पा गए, किसानों ने कहा चलने का समय आ गया, अब चलने का समय आ गया, परेशान न करिएगा, दोबारा राउंड में आऊंगा, खूब गुदगुदा के जाऊंगा, 6 बजे तक हंसाऊंगा, 8 बजे तक रहिएगा, आज सोने नहीं देंगे, क्योंकि क्योंकि जिसको सारी कुंवर जावेद जी बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं तो वैसा अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन कहते हैं जिसको सारी दुनिया गाए वो तान कहाँ से लाऊं, वाह बना रहा हूँ, जिसको सारी दुनिया गाए वो तान कहाँ से लाऊं, जो बिन जाने सब पहचाने, बिन जाने सब पहचाने, वो पहचान कहाँ से लाऊं, वाह अब अपने वही पुराने खेत बैल खलिहान कहाँ से लाऊं, अब इन उदास चेहरों पे मैं मुस्कान कहाँ से लाऊं, वाह वाह वाह। ईद मुहर्रम में हामिद थे हमको गले लगाते, ईद मुहर्रम में थे हामिद हमको गले लगाते, अब होली के आते ही हामिद भी रंग में रंग जाते, वाह तो पहले वाला अब वो हिंदुस्तान कहाँ से लाऊं, इन मुरझाए चेहरों पर मुस्कान कहाँ से लाऊं, इन मुर्दों में बोलो आखिर जान कहाँ से लाऊं, बहुत अच्छा वाह वाह, इन मुर्दों में आखिर बोलो जान कहाँ से लाऊं, अब घर के बाहर दादा दादी बैठे रहते थे, खटिया के धागे आपस में ऐठे रहते थे, जो उस खटिया पर बैठे वो मेहमान कहाँ से, उदास चेहरों पर मैं मुस्कान कहाँ से लाऊं, किसी के दिल में गीता है कोई कुरान रखता है, हमारा मुल्क दुनिया में अलग पहचान रखता है, हमें हिंदू मुसलमान कह के आपस में नहीं बांटो, वतन का बच्चा बच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता है, बहुत बढ़िया सुन लिया, इसलिए अंबर भाई कहते हैं कि अब भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है, पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है, बार 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 कपड़े पहन के बदल के आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यह अब आखिरी काव्य पाठ है, जीवन का नहीं आज का, इसलिए आपने बहुत प्यार से सुना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, एक छोड़ के गई है एक आई अभी अभी, एक छोड़ के गई है एक आई अभी अभी, उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, अब देखे मुड़ी मुड़ी देखे ले बा भले बनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी के दुल्हनिया। ये कविता नहीं है, कविता बहुत कठिन होता है, सूर तुलसी कबीरा का हकदार कौन है, रसखान जायसी का तलबदार कौन है, भूखी और प्यासी है निराला की आत्मा, मैं गीत बेचता हूँ खरीदार कौन है, वाह 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 वाह। अब लिखती रही मेरी कलम सोने के हर हरूफ, शब्दों से पूछ लेना कलाकार कौन है, और शब्दों से पूछ लेना कलाकार कौन है,
और सामने तुम हो, चांद है, आईना है, ईमान से कहो कि गुनहगार कौन है। वाह 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 वाह, क्योंकि कविता राजा रानी ये हेम जी का मंच है, ये लफाजियों का मंच नहीं है। मैं तो मनोरंजन के लिए ये सब करता हूँ, लेकिन कविता को, गीतों को, शेरों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये तो हंसने हंसाने का मैटर है। वाह 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 नदीम जी, मैं चार पंक्तियां बना रहा हूँ, श्रीमती की पंक्ति। स्वागत स्वागत। अगर अगर मुझको माँ सरस्वती ने और हेम जी जैसे गुरुओं ने मुझे पारंगत किया है, तो सिर्फ चार पंक्तियां इसके भाई पढ़े पढ़े तमहीद में बोलना चाहता। जी जी भाई, इसके प्रमाण में बोलना चाहता हूँ। कभी किसी पे रोब जमाना पड़ता है, क्या कहना? और कहीं पर खुद झुक जाना पड़ता है, मुरझाए चेहरों को हंसाने के खातिर जोकर का किरदार निभाना पड़ता है। जोकर का इसलिए मुझे माफ करना, मैं थोड़ा इधर उधर कर जाऊं तो माफ करना मेरे साथियों, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूं, कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूँ, कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। जितना लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं उसकी दोगुनी पीता हूँ तब होश में आता हूँ, उसकी दोगुनी, क्योंकि क्योंकि अखियों में सपना, सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लुट जाए साइकिल घड़ी, साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूं क्यों उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां जाना, लड़कवा चला गया दूसरे दिन गाते हुए आया, तेरी गलियों में न रखूंगा कदम आज के बाद। अब गाना गाते हुए आ रहा है, एक गाना आया लड़की को देखकर लड़के ने गाया, चलते चलते यूं ही रुक जाती हूं मैं, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, थक जाते हो, ये प्यार नहीं कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ, बाबा रामदेव के पास जाओ, फिर प्रयास करो हमारे पास आओ। एक गाना आया था, गाना गाया, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तो उसने कहा मोतिया बिंद हो गया है क्या, क्लियर नहीं हो रहा है। एक गाना आया था, हेम दादा अगर इस गाने को हम गाते तो ये गाना और हिट होता, मगर पिक्चर वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। गाने के बोल थे दर्द दिलों के कम हो जाते, अगर इस गाने को हम गाते तो उसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते, ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रसम हो जाते, पिताजी जो गलती से छूते छूते ईमान भस्म हो जाते, यदि इस गाने को हम गाते पिक्चर वाले खत्म हो जाते। वाह वाह, अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, हम कहे कई साल तक तुम झूला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर तुमसे मिलने पिताजी जो आए तो गालों को अपने फुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां में ढूंढूं तो अशकों से दामन धुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मैंने एक लड़की से कहा अगर हमारा दिल पतंग का होता तो तुम्हारे इश्क की डोरी से बांध कर उसको उड़ा देता, संझा तक तुम्हारे नैनों का मंझा लगाकर तेरी पतंग को कटा देता। लड़की ने कहा ऐसी आशिकाना शायरी तो कोई भी आशिक झाड़ देगा, अगर तुम्हारा दिल पतंग का है तो उसको संभाल के रखना, नहीं तो हमारा भाई लूटेगा तो तुरंत फाड़ देगा। लोगों ने कहा कि हमें यहाँ खतरा है, फिर लोगों ने कहा हमें पाकिस्तान से खतरा है, बताओ बेचारा सीधा साधा दे तो अपना छोटा भाई पाकिस्तान से कौन खतरा, एक बार फूंक दो तो 10 बार कह यार ये के फूंके ऐसे बाप रे बाप ये कह रहा। बाद में पता चला भारत के कौनो सीमा पे डटा हुआ नौजवान था जो फूंक मारा और निकल गया हुआ, तो उसमें कोई बात नहीं है, स्थिति बहुत नाजुक हो गई। तो इसीलिए अंबर भाई कहते हैं हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, खतरा तो यही हमें नदी के मौजूद है। भाई को भाई से खतरा, बाप को बेटे से खतरा, बेटे को बाप से खतरा, हमको आप से खतरा, दोस्त को दुश्मन से खतरा, कुत्ते को सांड से खतरा, सांड को नगर पालिका से खतरा, पता नहीं कब उठा ले जाए।
तो इसलिए अंबर भाई कहते हैं कि हम लोग अपनी नीचता से दुश्मनों के सामने झुक जाते हैं, नहीं तो हम लोग तो वो है कि अगर रुक जाते हैं तो हिमालय की तरह कोई हिला नहीं सकता, हमारा कोई सानी मिला नहीं सकता, हमारा कोई सानी। इसलिए अंबर भाई कहते हैं चाहे जाकर चीन में देखो या देखो जापान में, जितना चोर मवाली घूमे आपके पाकिस्तान में, उतना ही हरामी खेले जुआ बैठ दलान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। क्यों जाएं हम चीन और रशिया, क्यों जाएं जापान में, बिना बुलाए मोदी जी क्यों जाते पाकिस्तान में, ढूंढ नहीं क्यों लेते जाकर दिल्ली राजस्थान में, एक भी बिगहा खेत नहीं और लेते हैं खलिहान में, लंठों की कोई कमी नहीं है अपने हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जिंदाबाद, चलो सब लोग इलाहाबाद।